स्वीकार नहीं करते। महाराष्ट्र में अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी साथ बैठकर सहमति से फैसला लेने की बात कह रहे हैं, तो विपक्ष इस देरी पर सवाल उठा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान जातीय समीकरण से लेकर एनडीए के सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना चाह रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहते। मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि बीजेपी के पास बंपर सीटें आई हैं और अजीत पवार खुद को सीएम की रेस से बाहर कर चुके हैं। ऐसे में फडणवीस और शिंदे के बीच में से किसी एक को चुनने में इतनी देरी क्यों हो रही है? अटकलें तो ये भी हैं कि कहीं बीजेपी नया नाम लाकर सभी को चौंकाने तो नहीं जा रही। इससे पहले शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने ऐलान कर दिया था कि बीजेपी नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है, लेकिन पार्टी की ओर से अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई। शिवसेना नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा और जीता गया, उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि हम चाहते हैं कि सीएम शिवसेना से हो। हमने सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और मुझे विश्वास है कि शीर्ष नेता भी उन्हें आशीर्वाद देंगे। आप महाराष्ट्र में नई सरकार में देरी नहीं है, 2 दिसंबर तक आप साफ तस्वीर देख पाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा, ये वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया जा सकता है। वहीं प्रदेश बीजेपी नेताओं का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री पद के लिए नाम की घोषणा करने की जल्दबाजी में नहीं है। हमें निर्णायक जनादेश मिला है और अब प्राथमिकता सरकार गठन के लिए एक व्यापक योजना तैयार करना है। इसमें विभागों का बंटवारा और जिलों के प्रभारी मंत्री जैसे प्रमुख पदों का वितरण शामिल है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी का चेहरा रहे फडणवीस मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते आए चुनावी नतीजों में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महायुति गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में महायुति गठबंधन को 230 सीट और एमडीए को केवल 46 सीटें मिली। बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली। इसके अलावा 4 सीटें अन्य के खाते में गई।